परफेक्ट रुमाली रोटी और चाप घर में तो बनना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं इसे खाने के लिए तो हमें बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, जैसे कि अफगानी चाप, अचारी चाप, मलाई चाप, और बहुत ही ज़्यादा यमी होते हैं। इसीलिए आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि इन तीनों ही डिशेस का आपको फ्लेवर मिलेगा इस रेसिपी में, और सबसे अच्छी बात आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल ऑथेंटिक लजीजदार चाप। लग रहे हैं ना एकदम ग्रेवी मसालेदार। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर चैनल अपूर्वा एंड आभ्या। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट ऑल आवर नोटिफिकेशंस। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार प्याज ली हैं जिनको लंबा काट लिया है, काफ़ी सारा लहसुन लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 टमाटर लिए हैं जिसको मैं ग्राइंड करूँगी, थोड़ा सा अदरक भी ऐड करूँगी इसमें। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर सोया चाप ली है। जब भी आप सोया चाप लें तो दोस्तों याद रखना कि वो फ्रेश हो, और दूसरा जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हो वहाँ से ही परचेज़ करें। उसके बाद मैंने चाप को स्टिक से निकाल कर इस तरह से कट कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको क्वालिटी चेक करनी है चाप की, तो देखिए जब भी आप फ्रेश चाप लें तो इस तरह से ये लेयर टू लेयर रोल्ड होंगी, आपको दिख रही होंगी सी इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने बहुत फाइन क्वालिटी की और अच्छी चाप ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ऑयल को हीट कर लिया है, और सभी चाप के पीसेस को मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ। जब तक बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाते, तब तक इन्हें शफल करते रहें और फ्राई करते रहें। जब तक ये चाप फ्राई हो रही है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक लिया और 4 टमाटर डालकर प्योरी बना ली इस तरह से। देख रहे हो कितना अच्छा कलर आ रहा है, और आप देखेंगे फ्रेश चाप होगी ना तो इस तरह से लेयर टू लेयर क्रिस्पीनेस आएगी। देखिए इसको थोड़ा सा और मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी, क्रिस्प करूँगी, और इनको इस तरह से डीप फ्राई करने का ना आप एक बार ट्राई करना, आपको फ्लेवर और आपको टेक्स्चर बिल्कुल अलग ही लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये गोल्डन ब्राउन होगी और परफेक्ट कलर और क्रिस्पीनेस इसके अंदर आ गई है। तो मैं इसे किचन टॉवल पर निकाल लूँगी, एकदम करारी बनेगी और रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनेगी। मतलब अगर आपने एक बार मेरी रेसिपी की तरह बना ली ना तो सब लोग आपसे पूछते नहीं थकेंगे इसकी रेसिपी। तो देखिए वही मैंने पैन लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं प्याज ऐड कर रही हूँ और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से स्टर करें और इसे गोल्डन ब्राउन होने दें, सॉटे कर लें। उसके बाद देख रहे हैं आप कि इनके वो ये अच्छे से सॉटे हो गए हैं। उसके बाद हरी मिर्च और गार्लिक डाल देंगे और इनको भी अच्छे से सॉटे करेंगे, मीनवाइल स्टर करते रहेंगे। ये देखिए इन सभी चीज़ों में कितना बढ़िया कलर आ गया है और परफेक्टली कुक भी हो चुके हैं। इसके बाद आप उनको एक प्लेट पर निकाल लें साइड में, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल सेम पैन में लें और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला डालकर अच्छे से मिला लें, और फ्लेम को इसमें आप लो रखिएगा। और उसके बाद जो टमेटो की प्यूरी बनाई थी उसको इसके अंदर ऐड कर दें। दोस्तों एक बार आप इन टिप्स के साथ बनाइएगा तो आप देखना बहुत ही यमी बनेगी आपकी ग्रेवी जो है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब इन मसालों को और टमाटर को पकने देंगे। मीनवाइल जो ये प्याज हमने सॉटे किए थे, अब देखिए दोस्तों ये मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये है पीनट्स, ये रोस्टेड पीनट्स हैं। अगर आपके पास कच्ची मूँगफलियाँ हैं तो आप उसके छिलके को उतार कर उसे फ्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नॉर्मल मूँगफलियाँ हैं तो आप उनको रोस्ट कर सकते हैं। तो इसी प्याज के अंदर मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी मूंगफलियाँ ली हैं जिनको मैं ग्राइंड करूँगी। आप एक बार ये इंग्रेडिएंट ऐड ज़रूर कीजिएगा, और देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, इस तरह की एक पेस्ट तैयार हो जाएगी। और जैसे ही टमाटर की जो ये पक जाए अच्छे से ग्रेवी, तो आप इसके अंदर ये जो पेस्ट है इसको ऐड कर लें। देखना आपके सामने देखो कलर कैसे चेंज हो रहा है ग्रेवी का, इतनी यमी लगेगी क्योंकि प्रॉपर सारे वेजिटेबल्स इसमें पक चुके हैं, मसाले पक चुके हैं, अब केवल इन सबको मिलकर एक फ्लेवर ऐड ऑन होगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसे स्टर करेंगे और इसको थोड़ी देर पकाने के लिए रख देंगे। तो मैंने अभी 5 मिनट पकाया है और देखिए थोड़ी सी थिक हो गई है, मसाला ग्रेवी हो गया। अगर आपको ग्रेवी वाली पसंद है तो आप इसके अंदर पानी और ऐड कर सकते हैं,
बट मैं इसे थोड़ा सा ग्रेवी ड्राई वाला टेक्सचर दूंगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड करूंगी क्योंकि मुझे प्रॉपर ग्रेवी नहीं चाहिए. इफ़ यू वांट देन यू कैन ऐड मोर वाटर एज वेल. ओके एंड देन इसके अंदर वो फ्राइड जो चाप थी उसको ऐड कर लेंगे. जो खुशबू आ रही है ना, आई कॉन्ट टेल यू गाइस. अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देखोगे जो एक क्रिस्प चाप थी ना, इसके लेयर्स के अंदर भी एक ग्रेवी चली जाएगी और इसका जो टेस्ट होगा ना बहुत यमी, मतलब ऐसा लगेगा यार क्या खा रहे हैं ये. उसके बाद दोस्तों स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे, अच्छे से स्टर करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे. और यहाँ पर आप देखें बिल्कुल लास्ट ये प्रोसीजर है और आप देख रहे हैं ग्रेवी ने ऑयल रिलीज कर दिया है. ये देखिए ऑयल बाहर आ गया है, इसका मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से परफेक्टली कुक हो चुका है. इसे लास्ट टाइम और स्टर करेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ. यहाँ पर ड्राई कम यू नो ग्रेवी मसाला चाप बनकर तैयार है. फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और अब मैं इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर स्प्रिंकल करूँगी. क्या टेक्सचर आया है बढ़िया, और इसकी देखो आप लेयर्स तक के अंदर ग्रेवी जा चुकी है. यहाँ पर एकदम बेहद यमी मसालेदार और बहुत ही यूनिक फ्लेवर वाली मसाला चाप बनकर बिल्कुल तैयार है. और प्लीज़ दोस्तों एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, या फिर अगर आपने ट्राई कर ली है तो वो कैसी बनी. आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम ऐसी बहुत सारी यूनिक और इंस्टेंट रेसिपीज़ की वीडियो अपलोड करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. गुड बाय एंड टेक केयर.